हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। सो गाइस, आज हम लोग बनाने वाले हैं मैदे के नमकीन। उसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो है मैदा, जीरा, अजवाइन और सॉल्ट। उसके बाद हमें मैदा ले लेना है, उसमें हम लोग स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेंगे। नमक ऐड करने के बाद हमें उसमें जीरा ऐड कर लेना है। जीरा ऐड हो जाने के बाद अब हम उसमें अजवाइन ऐड कर लेंगे। अजवाइन ऐड करने के बाद अब हम इसे साइड में रख के एक वेसल में घी को गर्म होने के लिए रख देंगे। जैसे ही हमारा घी अच्छी तरह गर्म हो जाए उसके बाद हम इसे जो मैदा हम लोगों ने रेडी किया था उसमें ऐड कर लेंगे। देखिए हमारा घी गरम हो गया है, उसके बाद अब मैं इसे ऐड कर लेती हूँ। ऐड कर लेने के बाद अब मैं मैदे और घी को अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। हमें ठीक से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हमें जितना पानी लगे उतना ऐड करके इसको अच्छी तरह एक डो में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा डो रेडी है। उसके बाद हमें एक वेसल में ऑयल गर्म करने को रख देना है। साइड में हमें तब तक मैदे का रोल ले लेना है और उसे सर्कल शेप में कन्वर्ट कर लेना है। ध्यान रखिए कि आपको फ्लोर पे नहीं करना है, बोर्ड पे करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसे सर्कल शेप में कन्वर्ट कर लिया है। कन्वर्ट कर लेने के बाद अब हम इसे कट कर लेंगे डायमंड शेप में। पहले हमको इसे हॉरिजॉन्टल शेप में कट करना है, उसके बाद हम लोग इसे स्लांटिंग वर्टिकल शेप में कट कर लेंगे। देखिए कट कर लेने के बाद अब हम इसे डीप फ्राई कर लेंगे। जो ऑयल हम लोगों ने गर्म करने को रखा था उसमें हम इसे फ्राई कर लेंगे। हमें इसे ठीक से फ्राई कर लेना है। जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर के नहीं हो जाते हमें इसे अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। इसी तरह से आप नमकीन को फ्राई कर लीजिए। देखिए इसी तरह मैं सब नमकीन को फ्राई कर लेती हूँ। जब तक ये गोल्डन ब्राउन में नहीं हो जाते, अच्छी तरह पक नहीं जाते, तब तक मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। उसके बाद मैं इसे एक वेसल में निकाल लेती हूँ। देखिए मैंने इसे वेसल में निकाल लिया है। आपको ये डिश कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय गाइज़।